नमस्कार, आई एम स्पिरिचुअल हीलर कुसुम। कई बार आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हमारे घर में सेविंग नहीं होती, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर बचत क्यों नहीं कर पाते। वास्तु के हिसाब से यदि आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अर्थात वायव्य कोण अगर सही नहीं है तो पैसा आएगा जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के देवता है वायु देवता। हवा को कोई पकड़ नहीं सका, हवा कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती। सबसे बड़ी बात है कि उनकी ग्रह जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा का संबंध किससे है? मन से। और मन तो आपको पता बड़ा चंचल होता है, और मन हमेशा हमारा ध्यान भटकाता है, कभी भी हमें स्टेबिलिटी नहीं देता, हमें मूड स्विंग देता है और हमारी लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि आप बच्चों का कमरा बनाते हो तो बेस्ट है, क्योंकि बच्चे कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते। और हो सके जिस लड़की की शादी नहीं हो रही उस लड़की को उस कमरे में आप सुला सकते हो, जिससे उसकी शादी जल्दी हो जाए। वहाँ पे आप गेस्ट रूम भी बना सकते हो, लिविंग रूम बना सकते हो। यदि किसी कारणवश वहाँ पे वास्तु दोष आ जाता है और आप ये सब नहीं कर पाते तो आपके घर में मूड स्विंग होने लगेंगे। मूड स्विंग होने से आपके घर में लाइफ में अप एंड डाउन चल जाएगा। अप एंड डाउन होने से क्या होगा? आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। रिलेशनशिप खराब होने से आपको मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा और उससे अग्रेशन बढ़ जाएगा घर के अंदर। अग्रेशन बढ़ने से हेल्थ खराब हो जाएगी, और हेल्थ खराब होने से क्या होगा? आपका लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा। लाइफस्टाइल खराब होने से आपके रिश्तों में कड़वाहट हो जाएगी और मिठास खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ने शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में ये सब चीज़ें ना हो तो जहाँ पे आपके घर में नॉर्थ वेस्ट दिशा है वहाँ पे आप अरोमा जल जलाओ या विंड चैन भी लगा सकते हो, जिससे आपके घर में स्टेबिलिटी आ जाए और आपकी खुशियाँ बरकरार बनी रहें।